नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं सुनील राव। इन दिनों फलों सब्जियों की दुकान पर भगवा झंडा लगाने और हिंदू फल दुकान लिखने का विरोध सामने आने के बाद यह मामला कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में आ गया है। एक मुस्लिम शख्स की शिकायत के बाद जमशेदपुर पुलिस ने इस दुकान पर कार्रवाई की तो लोगों ने मुस्लिम दुकानों के बोर्ड दिखाकर पुलिस को आईना दिखाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद देश के कई इलाकों से अब ऐसे खबरें आ रही है कि कुछ लोग भगवा झंडा और हिंदू नाम के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने लगे हैं। लेकिन इसका अंजाम क्या हो सकता है, इसके बारे में एक मुसलमान शख्स ने ही वीडियो बनाकर अपने भाइयों को आगाह किया है कि उनका ये काम उनके लिए ही खतरनाक साबित हो सकता है। फैज खान नाम के शख्स का ये वीडियो हर किसी को सुनना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों, आप एक बात बताएं, आप इतने वक्त से गोश्त खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, क्या आज तक आपने एक भी हिंदू की दुकान से गोश्त चिकन ये सब खरीदा है? नॉनवेज खरीदा है? नहीं खरीदा है। आप बकायदा मुस्लिम की दुकान में जाते हैं जो हलाल मांस बेचता है उससे खरीदते हैं, और इसके बाद क्या कभी किसी हिंदू चिकन या मटन वाले ने इस बात की FIR कराई या शिकायत कराई कि मुसलमान मेरे यहाँ से चिकन मटन नहीं खरीदे? नहीं कराई ना, क्योंकि मुसलमानों की ये धार्मिक आस्था है कि उन्हें हलाल गोश्त खाना है और मुसलमान के द्वारा हलाल किया हुआ खाना है। ये हजारों वर्षों से परंपरा चली आ रही है, किसी भी हिंदू भाई ने इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। तो जब मुसलमान सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की दुकान से गोश्त खरीदना चाहता है और खरीदता आ रहा है, तो फिर आज हिंदू सब्जी या फल किसी हिंदू दुकान से खरीदना चाह रहा है तो हमें उस पर क्या आपत्ति हो सकती है? जब किसी हिंदू ने ये कभी इस बात पर FIR नहीं कराई कि आप मेरी दुकान से चिकन मटन नहीं खरीद रहे हैं तो मैं आप पर FIR करा दूंगा, तो फिर ये मुस्लिम आप क्यों इस पे FIR करा रहे हैं कि ये हिंदू हमारी दुकान से नहीं खरीदना चाहते? और यहाँ तक कि एक भाई ने जमशेदपुर में भी खबर आई कि उसने अपनी दुकान में हिंदू फल दुकान की एक नाम लिख दिया था, उस पर भी FIR करके उसे हटा दिया गया। भगवान राम जी का उसने चित्र लगाया था, उसे भी हटा दिया गया था। भाई ये बताओ, मुसलमानों की दुकानों पर मक्का मदीना शरीफ की फोटो होती है, तोगरे लगे होते हैं, बिस्मिल्ला होटल नाम है, मुस्लिम बिरयानी सेंटर नाम है, बहुत सारी जगह इन नामों से हैं। क्या सरकार ने कभी वो नाम बदलने आपसे कहा? क्या आपकी दुकान से कभी तोहरे हटाए? तो क्यों इन सब बातों पर आप FIR कर रहे हैं? खामखा देश का माहौल खराब कर रहे हैं। ये हिंदू शब्द के प्रति घृणा का प्रदर्शन बंद कीजिए। कल को कोई कहेगा कि हिंदू हाई स्कूल बंद करो जी, अब हिंदू हाई स्कूल रायपुर में है जहाँ से मैं हूँ, जिस रायपुर से, और अभी जो रायपुर शहर के महापौर हैं एजाज ढेबर जी, वो खुद हिंदू हाई स्कूल से पढ़े हैं, और हॉकी के प्लेयर रहे हैं हमारे भाई आमिर हैदर जी हिंदू हाई स्कूल से पढ़े हैं। अब हिंदू फल वाले, हिंदू फल दुकान जी, हटाओ ये बोर्ड, तो फिर कहेंगे कि हिंदू हाई स्कूल ये बोर्ड भी हटाओ, फिर कहेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये भी बोर्ड हटाओ, फिर कहेंगे हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान क्यों है, हिंदुस्तान को भी हटाओ। तो इस तरीके से फिर वही मानसिकता जन्म लेगी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये नफरत का कारोबार मत करो मेरे भाई। अरे हिंदू तो वो कौम है मेरे भाई जो माता दुर्गा की पूजा होती है, जब गणेशोत्सव होता है तो सब मुस्लिम मूर्तिकारों से ये मूर्ति खरीदते हैं। फटाके की दुकानें अधिकांश मुसलमान लगाते हैं, हिंदू वहाँ से फटाका खरीदता है, होली का रंग खरीदता है, राखियाँ खरीदता है, पिचकारी खरीदता है, मिठाइयाँ खरीदता है, खील बताशे अधिकांश मुसलमानों की दुकानें होती हैं, हिंदू तो खरीदता आया है ना। यदि आज वो खरीदने से वहाँ पर मना कर रहा है तो इसमें हिंदुओं की सांप्रदायिकता नहीं कही जाएगी, इसमें हमें अपनी कमी देखनी होगी कि आखिर हमने कहाँ क्या गलती की है और हमें उसे सुधारना होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में था तो मैं एक अपने भाई की राखी की दुकान पे बैठा हुआ था, तो एक हिंदू भाई वहाँ पर राखी खरीदने आया कि मुझे भगवान पर चढ़ाने के लिए राखी चाहिए, भगवान को बांधने के लिए राखी चाहिए। तो उसे एक बहुत सुंदर सी राखी पसंद आई जो ऊपर लटकी हुई थी, कहा भैया इसे खोल कर दे दो। तो भाई ने, जो मुस्लिम भाई थे, उन्होंने वो राखी को खोलने की कोशिश की, बड़े वो थोड़ा गिठान लग गई थी, उन्होंने बड़े ऐसे करके खोलने की कोशिश की पर वो नहीं खुली।
तो धोखे से, वहां इंटेंशनली नहीं हुआ था, मैं उसका प्रत्यक्ष दर्शी हूँ, धोखे से उन्होंने खोलने के लिए अचानक वो ऐसा ऐसा करते करते उन्होंने दांत से उसको खींचकर वो गिठान खोला और खुल गई। अब वो उस तरह की वही राखी बाकी थी भगवान वाली, और वो हिंदू भाई बड़ा खुश भी था खरीदने के लिए, लेकिन जैसे ही दांत लगा और वो गिठान खुल भी गई और वो उसे देने लगे तो हिंदू भाई ने उसे लेने से मना कर दिया। और कोई गलत भाव से लेने से मना नहीं किया, बोला भैया माफी चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा कि मैं ये नहीं ले सकता क्योंकि इसमें दांत लग गया है, ये झूठी हो गई है। तो देखिए उस समय उस मुस्लिम भाई की भी कोई गलत भावना नहीं थी और हिंदू भाई ने भी अपना भाव बता दिया, मामला वहां पर खत्म हो गया। अब वहां पर उस समय यह आरोप लगा दिया जाता कि हिंदू मेरी दुकान से राखी नहीं ले रहे, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि हिंदू जैसे आपकी मान्यता है आप हलाल गोश्त खाएंगे, उसी तरीके से हिंदुओं की भी मान्यता है कि किसी में झूठा हो जाए, थूक लग जाए, कोई ऐसी गलाजियत लग जाए तो उसको अपने पूजा पाठ में नहीं शामिल करते उन चीजों को। तो फिर हम जिद करें कि लगातार ऐसे तस्वीरें आ रही हैं कि फलों में कोई थूक रहा है, कोई पेशाब कर रहा है, डॉक्टर नर्सों के साथ बदतमीजी की जा रही है, कहीं अस्पताल में मलमूत्र कर दिए हैं। तो उन सब घटनाओं के बाद भी बाकी जो मुस्लिम है उसमें से ज्यादातर मुस्लिम शांत है, ऐसे मुसलमान जो कि ये सब थूकने वाला वीडियो और ये सब बना रहे हैं उनको बुलाकर दो थप्पड़ लगाने की बजाय बाकी मुसलमान चुप बैठे हुए हैं, या फिर ये कह रहे हैं मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। तो हिंदुओं में तो यही संदेश जा रहा है कि सब मिले हुए हैं, फिर वो आपकी दुकान से क्यों खरीदेगा, हजारों वर्षों से खरीदता है, अब नहीं खरीद रहा है। तो इसमें हमें अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है। तो ये FIR कराने का धंधा, ये नफरत फैलाने का धंधा, ये आप सब नहीं करिए। मिलजुल कर प्यार मोहब्बत अमन भाईचारे से रहिए। हिंदू पहले भी आपकी दुकानों से लेता था, बाद में भी लेता रहेगा, बस आप अपने अंदर सुधार पैदा कीजिए, यही मेरी गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिल्कुल, ये देश गंगा जमुनी तहजीब से चलता आया है और यहाँ लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आए जिसने लोगों में डर भरने का काम किया है, और इन वीडियो में दिख रहे लोगों की मजम्मत करने की बजाय एक बड़ा तबका इनके बचाव में आया, जिसकी वजह से समाज में गलत संदेश जा रहा है। लेकिन फैज खान जैसे लोग इसी समाज में रहते हैं जो इस डोर को और मजबूत करने में यकीन रहते हैं। क्या आप फैज खान की इस बात से इत्तफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि कुछ मुसलमानों की वजह से आप उन पर शक नहीं कर सकते, समाज में अच्छे मुसलमान भी हैं और जो एक भाईचारे का संदेश देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर आप जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।